Assalamualaikum guys, welcome back to another video. और अभी हम छत पे चलते हैं सीधा। आज मुझे स्पेशल नहीं है छत पे, देखते अंडा का है। आज ये हमारा शायद पहला रैंडम व्लॉग है। नहीं, आज एक न्यूज है बताने को। देखें ये सब आपको, देखें ये सब आपको कबाड़ वबाड़ नजर आ रहा होगा, भरा हुआ है। हमने कल ये जो है ना सारा कबाड़ अंदर कमरे से निकाले। इस कमरे में बत्तख है ना, मैं दिखाता हूँ। देखें ये कमरा कितना साफ हो गया। यहाँ से हमने निकाले कबाड़ और उस कोने में जो है ना क्या पड़ा हुआ था, मतलब पड़े हुए थे टॉयज, उस कोने में पड़े हुए थे चूहे के बच्चे, डॉग के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। इसका मतलब है कि हम ये अगर ये सफाई 2-3 महीने तक नहीं करते तो हमारे छत पे 7 चूजे और बढ़ने वाले थे। चूहे 7 चूहे और बढ़ने वाले थे। और हमने वो जो और यहाँ पे सिर्फ 3 अंडे रह गए। अबे 2 वाइट निकले और 1 ब्राउन निकले, माशाल्लाह। तो हमने उन चूहों के जो बच्चे थे ना, हमने उनके साथ करा एक है, हमने उन्हें छत पे रख दिया। मतलब छत ही भी छत, बिल्कुल टावर पे रख दिया। दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये देखें ये जगह नजर आ रही है, ये चीज, ये जो रखा है डब्बा, इसमें थे ये सारे भी कब्बे वब्बे सब कुछ उठा के ले गए। ओए कब्बा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अक्सर खाना देते हैं ना इन लोग को, कब्बे बब्बे को। ऐ जो सोलर पैनल लगे हुए ना, इनका भी एक ब्लॉग आएगा कि हम ये सोलर पैनल साफ करेंगे। अबे बत्तख के बच्चे तो देखे ही नहीं, वो रहे क्या कर रहे हो भाई, नहाए पूरी रात। ये देखें सारे एक जगह पे जमा होके बैठे हुए हैं। और यार छत पे ज्यादा कुछ दिखाने का है ही नहीं, पूरे में कबाड़ भरा हुआ है, तो अब ये साफ भी करना पड़ेगा। मैंने सोचा रात में मैं आप लोग को दिखा दूं चूहे के जो बच्चे निकले थे, लेकिन ना मैं दिखा नहीं पाया, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। ऊपर क्या हुआ, चलो करते हैं। ओ ये बन रहे, एक तो बन रहे। बस आप सब भी दुआ करिएगा कि इनमें से निकल आए। ओ नो क्या हुआ, ओए मैं आज ही पहन के आया था चश्मा, कौवे ने कुछ निकला है हवा से गिरा, पता है मैंने कहा आज ही पहन के बच गया। मेरे जो कौवे है ना, ये से इंतजार में बैठे रहते हैं कि कुछ अंडा वंडा चूजा वूजा मिल जाए खाने को, बस पूरा दिन खाता रहता है। कुछ काम वाम है तुम लोग का कि नहीं है? तो यार इस वीडियो के कमेंट में आप लोग हमें आइडिया दीजिएगा कि हम 100 सब्सक्राइबर्स स्पेशल क्या करें, मतलब कुछ भी बता सकते हैं आप, चैलेंज करें, ब्लॉग बनाए ऊपर का, या कुछ भी करें आप बता सकते हैं, फिर हम उसे देखेंगे मैनेज होगा या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट में। हाँ सीरियस बोल रहा हूँ, यार ये 4th अंडा है हम जिसकी कैंडलिंग कर रहे हैं, अभी तक 3 सही हो चुके हैं, 7 में से 3 हो गए। ये थोड़ा सा ये अनफर्टाइल लग रहा है। तो यार काफी दिन से हमने आपको ये नहीं दिखाए, ये दिखा देते हैं, ये देख ये देखें, ओ ये बड़ा वाला है, सबसे नहीं सबसे बड़ा ये है, ये आर है सही है, ये बाकी अंडा सही हो गया। यार ये देखें सारे बोर आ रहे, सारे बोर, मैंने पहले बोल दिया था जॉम्बीज बन जाएंगे। तो अभी मैंने अंडे चेक कर लिए, टोटल 7 अंडों में से 5 अंडे सही हैं और 2 खराब हैं। तो यार ये जो नीचे कड़ा देख रहे हैं ना, ये जो पूरी मिट्टी पड़ गया, ये चूहों ने किया। तो आज अभी मैं जैन से कैच करने जा रही हूं। अभी हम आए नीचे, ये मुर्गियों बत्तखों सबके लिए पानी भरने के ऊपर, के लिए हमारे साथ में नीचे 50 चक्कर। तो इसमें कैसे भरेंगे, दिन में इसमें पहले से साफ करेंगे अच्छे से, मतलब साफ करेंगे और साफ फिर पानी भर देंगे। सही है, अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया, चलो करो हम। चलो
रहा भाई जब तक पानी भर रहा है। ये देखे ये दरख्त है, ये हमें पूरा कटवाना है, लेकिन उससे पहले नीचे से पिंजरा हटेगा, फिर ये दरख्त कटेगा, फिर पिंजरा आएगा। और वो जो ऊपर छत पे चूहे हैं ना, वो पता है असल में यहाँ है चूहे सारे, अंदर उन्होंने घर बनाए में, तो फिर यहाँ से चढ़ते हैं वो चूहे यहाँ पत्तों पे जाके, फिर वहां कूदते हैं और फिर खिड़की से अंदर चले जाते हैं बत्तख वाले कमरे में। तो भाई पानी डाल देते हैं सारे पौधों को, अभी भी थोड़ा थोड़ा जो डला हुआ दिख रहा है वो मैंने ही डाले। शायद आप लोग ने पौधा देखा होगा, ये देखें इसमें पटाखा होता है। तो भाई ये जो पटाखा, ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, इसे ऐसे गीला करते हैं पानी से, और अभी देखें क्या होगा। यहाँ पड़ा हुआ है ना यार, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, फट जाएगा ये ना। मैं इनका कोई काम नहीं है इसलिए हम वैसे भी इनके ऊपर पानी डाल लें। गाइस अभी मगरिब होने वाली है और हम जब से ये आम तोड़ रहे हैं, और ये हमने पता नहीं कहाँ से तोड़े हैं, लेकिन हमने तोड़े हैं, सही है हम आपको बता नहीं सकते। तो दो दो तोड़ लिया, अभी तो पकाएंगे। ओ भाई ये पकड़ो, चलो